मोदी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अपना पशु चिकित्सक यानी कि अपना पशु चिकित्सक एक ऐसा कार्यक्रम जिस कार्यक्रम में हम पशु चिकित्सक के द्वारा आपके पशुओं के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हैं, कैसे आप अपने पशुधन को स्वस्थ रखें, अपने पशुओं से बेहतर लाभ ले सकें और पशुओं का बेहतर ख्याल रखकर उनसे अच्छा उत्पादन ले सकें। साथ ही साथ इस उत्पादन लेने की प्रक्रिया में हम कई बार देखते हैं कि पशुओं में कई तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो पोल्ट्री फार्म को लेकर हो, चाहे पशुधन हो, चाहे मत्स्य पालन का क्षेत्र हो। ऐसे में अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपने पशुओं की देखभाल करना भी बेहद आवश्यक हो जाता है। बदलते मौसम के साथ ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो आज अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम में हर बार की तरह हम एक अलग विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक नए पशु चिकित्सक के साथ आपके पशुओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम में ऐसा कौन सा विषय है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जिसके बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी ताकि आप अपने पशुधन से अच्छा उत्पादन ले सकें, उसके बारे में जान लेते हैं। आज अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम में हम बात करेंगे गर्मियों में मत्स्य पालन और प्रबंधन। गर्मियां जैसे कि अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे में अपने मछलियों की व्यवस्था कैसे करें, अपने मछलियों से अच्छा उत्पादन कैसे लें, उनकी देखभाल कैसे करें, इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, क्योंकि आपकी भागीदारी भी इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं इस विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आप हमें अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक खास एक्सपर्ट इस विषय से जुड़े हुए जुड़ेंगे, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। अब इस विषय से जुड़े हुए आपको जो सवाल है उसको पूछने के लिए टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करना है। हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800-11-3060। इसके अलावा 1800-11-3061। फोन करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपके टेलीविजन की आवाज़ कम हो और आपके मोबाइल फोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके और आपको बेहतर सलाह, बेहतर सुझाव आपको उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव या अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। दोस्तों, अब वक्त हो गया उस खास मेहमान से मिलवाने के लिए जिस मेहमान आज इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। आज हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर IAS सिद्दीकी। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप पूर्व मात्स्यिक विकास आयुक्त हैं, आपका स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो सर, जैसे आज हमारा टॉपिक है कि गर्मियों में हम अपने मत्स्य पालन मछुआरों के लिए क्या क्या बातें बता सकते हैं, तो ये विषय कितना महत्वपूर्ण है गर्मियों को लेकर, और क्योंकि मछलियां पालन कई बार हम देखते हैं कि खुले तालाबों में की जाती है, बढ़ते तापमान के साथ जो हमारे मछुआरे हैं वो किन बातों का ध्यान रखें शुरुआती तौर पर? जी, आजकल गर्मी के दिनों में अक्सर ही देखा गया है कि मछलियों की, क्योंकि ग्रोथ का समय होता है, क्योंकि मछली जो है बड़े साइज़ की हो चुकी होती है और उसके लिए बेहतर प्रबंधन की ज़रूरत होती है। लेकिन इस बार जो तापमान है बहुत ज़्यादा अधिक है और उससे दो जो परेशानियाँ आती हैं मछली तालाबों में, वो पहली चीज़ तो ये है कि तापमान बढ़ने से उसमें मछलियों के लिए तापमान का बढ़ना भी नुकसानदेह होता है, और दूसरी वजह से तापमान के बढ़ने की वजह से डिसॉल्वड ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियों की यानी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बेहतर प्रबंधन और देखभाल के ज़रिए इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि तापमान की निगरानी रखें और जो उसकी वाटर क्वालिटी है, जिसकी पानी की गुणवत्ता है, उसकी समय समय पर जाँच करते रहें और उसका नियंत्रण रखने की कोशिश करें जी। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर साहब, और भी ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे अपने किसान भाइयों के लिए, लेकिन उससे पहले इसे विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत दुनिया के बड़े मछली उत्पादक देशों में शामिल है। यहाँ पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि लाखों लोगों के लिए भोजन, पोषण, आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लाभ निरंतर बना रहे इसके लिए जरूरी हो जाता है कि मौसम के अनुसार मछली पालन में बदलाव किए जाएं।
जिससे नुकसान की आशंका को कम किया जा सके। बढ़ते तापमान के कारण तालाब का पानी तेजी से कम होने लगता है और पानी का तापमान भी बढ़ जाता है, जिससे मछलियों के मरने की आशंका बनी रहती है। इसलिए मछली पालकों को चाहिए कि वो तालाब में पानी का स्तर करीब 6 फीट बनाए रखें, ताकि निचले हिस्से में पानी का सही तापमान बना रहे। साथ ही इस मौसम में आहार देने के तरीके में बदलाव करें, जिससे बचा हुआ भोजन सड़कर तालाब को गंदा ना करे, क्योंकि स्थिति में मछलियों में बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही बादल वाली रात के दूसरे दिन सुबह सुबह तालाब का निरीक्षण जरूर करें। इस मौसम में मछलियों के नए बीज ना डालें, बल्कि समय समय पर मछलियों को निकालते रहें। बादल होने पर तालाब में ऑक्सीजन का स्तर भी गिर जाता है। ऐसे में गर्मियों में मत्स्य रखरखाव को लेकर कुछ खास बातें। तालाब में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखें। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए एरिएटर का इस्तेमाल करें। देसी तरीके से ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए तालाब में डंडे मारें। मछली के आहार में बदलाव विशेषज्ञ की सलाह पर ही करें। तालाब के पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का कर सकते हैं छिड़काव। छाया जाल लगाकर अपनी मछलियों को छाया प्रदान करें। नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की निगरानी करें। मत्स्य पालक ऐसी मछली प्रजातियां चुनें जो गर्म पानी की स्थितियों के लिए उपयुक्त हो। अपने मछली फार्म को साफ और अच्छी तरह से बनाए रखें। तनाव, बीमारी या असामान्य व्यवहार के किसी भी लक्षण के लिए अपनी मछली पर नजर रखें। यदि मछलियों में कोई समस्या दिखाई दे तो मत्स्य विशेषज्ञ से जरूर परामर्श लें। इस तरह गर्मी के मौसम में जरूरी बदलाव करके मछली पालक मछली पालन से उत्पादन बनाए रख सकते हैं। तो रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश की गई कि किन बातों का ध्यान रखकर हमारे किसान भाई अपने मछलियों का ध्यान इस मौसम में रख सकते हैं और कैसे अच्छा उत्पादन उनसे ले सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। मछली जल की रानी है, जल ही उसका जीवन है, हाथ लगाओ डर जाते, बाहर निकालो मर जाते। तो ऐसी दशा में गर्मी में जो है हमको कितना पानी रखना चाहिए? और कभी कभी मछलियों के शरीर में धब्बे पड़ जाते हैं, सड़न जैसे कैंसर के रोग जैसे दिखाई पड़ता, तो उनको हमको उपचारित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? जी, आपकी बहुत अच्छी कविता रही। डॉक्टर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर इंतजार जी, जिस तरीके से उन्होंने पूछा कि कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जो गर्मियों में देखने को मिलती हैं, उसके समाधान क्या होने चाहिए? पहला जो प्रश्न आपने किया, पानी कितना रखना चाहिए, तो जैसे अभी रिपोर्ट में बताया गया कि हमें कम अज़ कम 6 फिट पानी रखने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें 1.5 मीटर के करीब कम अज़ कम पानी रहे, ताकि अंदर पानी जो है वो अधिक तापमान ना, पानी का तापमान अधिक ना हो पाए। इसलिए कोशिश करें कि पानी का स्तर मेंटेन रहे, और पानी को बदलना भी ज़रूरी है। समय समय पर सुबह और शाम में कोशिश की जाए कि थोड़ा सा पानी ग्राउंड वाटर या तो ट्यूबवेल के ज़रिए या सबमर्सिबल पंप जो भी अवेलेबल हैं उसको थोड़ी देर चला देंगे, तो फिर आपको ये आसानी होगी कि पानी का जो टेम्परेचर है और वो थोड़ा सा एजिटेशन यानी पानी के अंदर करेंगे, तो ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उसका लेवल जो पानी का है वो बराबर रहे और उसमें पानी चलाते रहें, ताकि टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। और दूसरी बात आपने कही चकद्दे वाली बीमारी के बारे में, तो उसके लिए तो यह है कि आज जैसे ही अगर होता है तो पहले तो उसका थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट को दिखा लें, क्योंकि कई कारणों से इस तरीके के पैचेस मछली के बॉडी में पड़ जाते हैं, जिसमें से बेसिक जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी दिए जा सकते हैं, लेकिन उसको पहले जाँच करा लें तो ज़्यादा उचित होगा। जी, तो नंदस्वरूप जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और आप बेहतर तरीके से अपनी मछलियों का ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल पूछा है, एक बार उनका भी सवाल ले लेते हैं। राजीव कुमार हैं बंगाल से। डॉक्टर साहब, वो जानना चाहते हैं कि गर्मी में मछलियों में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? देखिए, गर्मी में आमतौर पर होने वाली बीमारियाँ जो हैं, एक तो ड्रॉपसी हो जाती है कई बार, कि वो इसके स्केल्स गिरने लगते हैं, स्केल्स की शेप बदल जाती है, और एक बीमारी होती है कि उनको इचिंग के साइन आते हैं और रैशेस होने लगती हैं बॉडी में जी। ये दो एक बीमारियां हैं जो गर्मी में होती हैं, और वैसे कोई और बैक्टीरियल डिजीज़ भी हो सकती है जो, और इन सब बीमारियों की वजह
न सिर्फ गर्मी होती है बल्कि कई बार पोल्यूशन भी होता है। तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाना या पानी के स्तर कम होने की वजह से, अधिक तापमान की वजह से या पानी कम होने की वजह से अमोनिया का लेवल बढ़ जाता, तो इसको असल में बेहतर तालाब प्रबंधन के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। अगर फिर भी कोई रोग हो जाता है तो उसके लिए फिर यही है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या एंटीबैक्टीरियल कोई सॉल्यूशंस हैं उनको इस्तेमाल करके मछलियों को उसमें थोड़ा सा बाध दे के उनको क्योर किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, इसमें जैसे गर्मियों के मौसम हम देखते हैं, जैसे आम हम जो इंसान हैं हमारी भी ऐसे गर्मियों के तापमान में जब बढ़ जाता है तो खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, तो अगर मछलियों की बात की जाए, आहार प्रबंधन इस समय इस मौसम में कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आहार प्रबंधन करते हुए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि आहार एक ऐसी चीज़ है कि उसमें मछलियों का मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई होती है इस वक्त, तो इस वक्त ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत होता है, उतनी फीड की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यह है कि फीड उन्हें देना है लेकिन इतनी मात्रा में देना है कि उसका अवशेष उसमें तालाब में ना बचे, क्योंकि जो फिर बचा हुआ आहार जो सड़ता है उससे फिर पोल्यूशन होता है, ऑक्सीजन की कमी और हो जाती है और नाइट्रोजन लेवल बहुत बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से, अमोनिया लेवल ख़ासतौर से, उसकी वजह से मछलियों के अंदर बीमारियां भी हो सकती हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो इसलिए आहार प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जैसे रिपोर्ट में बताया गया कि आहार सलाह भी ले सकते हैं कि कितना देना है, लेकिन बॉडी वेट को कैलकुलेट करके और उनके जो कन्वर्जन रेशो है उसको सही मात्रा में ज्ञात करके फिर अगर फीडिंग करेंगे तो फीड बचना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रहे। जी फिलहाल एक और दर्शक हैं जिन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अनंत पाठक हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से, उनका सवाल आया है, वो जानना चाहते हैं कि मछली पालन के लिए कौन सा महीना सबसे अच्छा होता है। डॉक्टर साहब पाठक जी, मछली पालन का तो सही समय होता है जिस वक्त मछली का बीज मिल रहा होता है, और बीज जो होता है उत्पादन जो ख़ासतौर से हमारी तरफ ये पाली जाने वाली मछलियाँ हैं, इंडियन मेजर कार्प्स हैं और दूसरी कार्प जातियाँ हैं या पंगेशियस वगैरह भी आजकल हम देखते हैं लोग काफ़ी तादाद में पाल रहे हैं, तो इन मछलियों के सीड जब अवेलेबल हों वो पीरियड सबसे अच्छा होता है। तो कार्प की जहाँ तक बात करें तो उनका तो सीज़न मानसून में शुरू होता है, तो जैसी बारिशें होंगी और ब्रीडिंग शुरू होगी तो जब सीड मिलना शुरू होगा तो जुलाई अगस्त तक हमारे पास सीड आना शुरू हो जाता, तो वो सही समय होता है कि हम तालाबों की तैयारी उससे पहले कर लें। गर्मी के मौसम में अगर हमारे तालाब खाली हैं तो उनको धूप दे के उनको यानी एक तरीके से उसका सैनिटेशन कर लें और उसके बाद हम उसमें पानी भर के अपना जब हमें सीड अवेलेबल होता है तो तालाब में हम अपना कार्यकलाप शुरू कर सकते हैं मछली पालन के लिए। जी तो ये तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों के लिए साझा किए हैं और मछली पालकों के लिए भी ये सुझाव और ये सलाह बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं जो डॉक्टर साहब से हम लेंगे, तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके ज़रिए मछली पालक अपने मछली उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक। आज हम बात कर रहे हैं मछली
उत्पादन के बारे में, मत्स्य पालन के बारे में, और जिस तरीके से गर्मियां बढ़ गई ऐसे में अपने मछली पालक कैसे अपने मछलियों का ध्यान रखें, किन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसके बारे में हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट हैं विशेष जुड़े हुए जो आप तक जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। फिलहाल एक और दर्शक हैं जो हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल भेज रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित कुमार हैं समस्तीपुर बिहार से, उनका सवाल है किसी पुराने तालाब में मछली पालन क्या किया जा सकता है और किया जा सकता है तो कैसे करें, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। डॉक्टर साहब जी, अमित कुमार जी, आप के प्रश्न से ऐसा लगता है कि आप किसी पुराने तालाब की बात कर रहे हैं जहाँ पे मछलियाँ पहले से पाली जा रही थी या नहीं पाली जा रही थी जी। तो उसमें अगर पानी है तो बेहतर ये होता है कि उसको पानी को खाली करके उसके बंधों में सुधार कर लिया जाए, जो एम्बैंकमेंट हैं चारों तरफ उसमें सुधार करा लें, उसमें इनलेट आउटलेट का प्रोविज़न कर लिया जाए और उसके बाद जो उसकी तली है उसको भी समतल कर लिया जाए और उसमें थोड़ा सा चूना वगैरह डाल के उसको कल्चर करने से पहले साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि कई बार होता है अगर पानी को साफ़ किए बगैर आप मत्स्य पालन करना शुरू कर देते हैं तो उसमें कई चीज़ें रहती हैं, हो सकता है कीड़े मकोड़े भी रहते हों, हो सकता है ऐसी मछलियाँ हों जो आपके मछली का बच्चा आप डालेंगे उसको खा जाए, या और खरपतवार जैसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको साफ़ करना आवश्यक होता है और उसकी यानी तल को भी समतल करना ज़रूरी होता है। इसलिए उसके पहले आप कर सकते हैं, यानी पुराने तालाब में आप मत्स्य पालन शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ तैयारी करनी होती है, उन तैयारियों का अगर ख्याल रखेंगे तो उसके बाद आप उस तालाब को मछली पालन के लिए अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, यहाँ बात तैयारियों की हो रही है और आपने पहले भी जिक्र किया कि तालाब बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें, सैनिटेशन के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तालाब को तैयार करते हुए मछली पालक आम तौर पर बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको इस मौसम में कम से कम दिक्कत ना हो और अच्छा उत्पादन उनको लगातार मिलता रहे? बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि किसी भी तालाब के और मत्स्य पालन के यानी सफल होने में ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का तालाब का चुनाव किया गया है और किस तरीके से हमने तालाब को तैयार किया है और बाकी जो प्रबंधन की चीज तकनीक हैं उसका हमने कितना ख्याल रखा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसका जो जगह है और स्थान है उसका हमने सही चुनाव किया हो, ऐसी जगह ना हो जहाँ पे चारों तरफ का पानी, गंदा पानी, प्रदूषण का पानी वहाँ पर आता हो, तो इस बात का ख्याल किया जाए। और अगर ऐसी कोई जगह है तो उसके लिए उसको एम्बैंकमेंट उसका सही तरीके से किया जाए, तो उसके बंधे इतने ऊंचे रखे जाएं कि आसपास का पानी उसके अंदर ना आए, या किसी वक्त पानी का कोई ह्रास होता है या कमी होती है तो उसमें पानी डाला जा सके, भरा जा सके, तो ऐसा उसका साधन आसपास ज़रूर होना चाहिए, तो कोई प्राकृतिक सोर्स होना चाहिए, कोई कैनाल हो या ट्यूबवेल वगैरह का इंतज़ाम हो ताकि पानी की व्यवस्था किसी भी समय वहाँ पर कोई उसकी प्रॉब्लम न क्रिएट करे। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर आसपास में कोई ऐसी चीज़ भी ना हो जिससे पानी अगर वहाँ से निकालते हैं आप तालाब से तो उस मछली के तालाब का पानी वहाँ जाके किसी की खेती को नुकसान ना कर रहा हो, तो इसलिए ये कहा जाता है कि हम इनलेट और आउटलेट का जो इंतज़ाम करेंगे वो इस तरीके का हो कि पानी जब हमें ज़रूरत हो तो पानी छन के आए और जब हम पानी निकालें तो इस तरीके से निकालें कि पानी यानी जब जाए तो दूसरी जगह जाके प्रदूषण ना करें जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो उसमें पहली चीज़ यही है कि हम बंधे उसके सही कर लें, अगर नहीं है तो उसको बनवा लिया जाए और उसकी ऊंचाई इतनी रखी जाए कि उसमें यानी 1.5 मीटर का पानी किसी भी समय उपलब्ध रहे। बिल्कुल। और पानी जहाँ निकास करने की जगह या पानी के आने की जगह जो है उसको अच्छी तरह से जाली वगैरह से यानी सुरक्षित कर लिया जाए ताकि कोई बाहर से आने वाली हानिकारक यानी कोई जीव जंतु दूसरे किस्म के ना आए या हमारी मछलियाँ उसमें से बाहर ना निकल जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए जी। डॉक्टर सिद्दीकी जी, आपने बताया कि पानी का भी बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखना चाहिए, इनपुट और आउटपुट की अगर हम बात करें, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब पानी को बदला जा रहा है तो जो आपने कहा कि किसी की भूमि को नुकसान ना पहुँचाए, उस पानी का प्रबंधन किस प्रकार से किया सकता है, क्या उस पानी का कोई सदुपयोग है या सिर्फ वो पानी बेकार ही जा सकता है? नहीं, बेहतर तो यह है कि उसको रिसर्कुलेशन सिस्टम के तहत अगर उसे थोड़ा सा ट्रीट करके इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा है जी। उससे पानी का यानी बचत भी होती है और हम मतलब एक तरीके से उसका संरक्षण भी करते हैं। तो वेस्ट वाटर का सिर्फ यह है कि जो पानी हमारे तालाबों से निकलता है उसमें और कोई पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि यह है कि एक ऑर्गेनिक लोड होता है, तो उसको अगर हम कुछ दिन या तो स्टेबलाइजेशन टैंक में या छोटा सा एक और तालाब बना लें जिसमें उसको थोड़ी देर स्टेबलाइज करें, चूना वगैरह डाल के और क्लोरिनेशन वगैरह करके अगर उसको दोबारा इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं तो उसको हम अपने इस्तेमाल में भी कर सकते हैं, और वो बाहर जाता भी है तो फिर उतना नुकसान दूसरी जगह नहीं करता है जी।
और साथ ही जैसे आपने तापमान की बात करी, तो तालाब के तापमान को बना के कैसे रखा जाए, उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए कि तालाब का जो तापमान है वो एक मेंटेन रहे, गर्मी के स्तर को ना छुए और मछलियों को नुकसान ना हो? और बात जब तापमान की हम कर रहे हैं तो क्या विधि होनी चाहिए, क्या इसमें भी पानी को बदलने का प्रारूप है इसके अंदर? इसके कई तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है और हमारी जो ज़रूरत है और जिस हद तक तालाब में पानी बर्दाश्त कर लेता है तापमान मछलियों के लिए, वो 28 से 30 बहुत उचित है। 32 डिग्री भी अगर हो तो चल जाता है, लेकिन उसको भी मेंटेन करना पड़ता, क्योंकि ऊपर की जो सतह है उस पर तालाब का पानी ज़्यादा गर्म होता है, जबकि नीचे की जो सतह है उसमें पानी उतना गर्म नहीं होता है। तो कई बार उससे नुकसान क्या होता है, जो पानी तालाब की जो सतह गर्म होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और फिर वहाँ पे क्योंकि हम जब ये कार्प कल्चर करते हैं तो उसमें 3-4 किस्म की मछलियाँ एक साथ पालते हैं और वो अलग अलग स्थान ग्रहण करती हैं। बॉटम में रहने वाली मछलियाँ अलग होती हैं, जैसे मिर्गल होती है या हमारी कॉमन कार्प होती है, तो ये मछलियाँ जो हैं नीचे के हिस्से में चली जाती हैं, मिर्गल नीचे रहती है और कतला सबसे ऊपर रहती है और रोहू बीच में रहती है, तो इनके अलग अलग जोन होते हैं, इसलिए कुछ मछलियों पर ज़्यादा असर पड़ता है, जैसे कतला सबसे पहले इफ़ेक्ट पड़ता है उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ने की वजह, क्योंकि वो सतह पर रहती है। तो सतह का टेम्परेचर बरकरार रखने का या उसको मेंटेन करने का तरीका यह है कि हम उसको किसी तरीके से सर्कुलेट करते रहें कि नीचे का पानी ऊपर आ जाए, ऊपर का नीचे आ जाए, एक तरीका तो यह है। उसके लिए एरेटर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एरेशन होगा तो ऑक्सीजन की कमी भी ख़त्म होगी और फिर पानी एजिटेट होगा तो ऊपर नीचे होने से तापमान जो है वो मेंटेन होता है। दूसरा तरीका, जैसे अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा कि डंडे मार के या किसी भी तरीके से उसमें फवारे करके या पाइप के ज़रिए स्प्रिंकल करके पानी को, यानी फवारा बना के डालेंगे तो भी उससे टेम्परेचर ऊपर की सतह का थोड़ा नीचे आ जाता है। और एक और तरीका बताते हैं कि ऊपर नेट की तरीके से जाल लगा के इसमें छाया अगर लगा सकते हैं और बंधों के चारों तरफ कुछ ऐसे पेड़ लगा दें जो उपयोगी भी हों और बंधे भी मजबूत होते हैं उससे और फिर साया भी मिलता, तो केले के पेड़ लगाते हैं और कुछ और किसी फसल के पौधे पेड़ ऐसे लगाए जा सकते हैं जिसका यानी शेड भी मिले और उससे फल वगैरह भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके की सावधानियाँ बरतें तो पानी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। जी, तो तालाब के टेम्परेचर को अगर मेंटेन करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी ऐसी विधियां बताई हैं जिसका इस्तेमाल कर जो मछली पालक भाई हमारे हैं वो तालाब के पानी को जो टेम्परेचर उसको मेंटेन कर सकते हैं और इस गर्मियों में भी अच्छा उत्पादन अब उनको मिलता रहेगा। फिलहाल एक दर्शक है जिनका ईमेल के जरिए हमें सवाल प्राप्त हुआ है, राहुल हैं पंजाब से, उनका सवाल है कि एक तालाब में एक साथ अलग अलग मछलियों को डाला जा सकता है, एक साथ कितनी प्रजाति की मछली तालाब में हम छोड़ सकते हैं? राहुल जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आजकल जो हमारी तरफ होता है जैसे कंपोजिट कल्चर कहते हैं हम, और उसमें 5-6 किस्म की मछलियाँ भी एक साथ पाली जाती हैं, तो जो मेजर इंडियन मेजर कार्प्स हैं IMC कहलाती हैं, कतला, रोहू, मिर्गल, इन तीनों को तो एक साथ पाला ही जा सकता है और उपलब्धि के आधार पर दूसरी मछलियाँ भी इनके साथ जो दूसरी चाइनीज़ कार्प्स हैं उनको भी ऐड किया जा सकता है, जैसे कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प है या सिल्वर कार्प है, इनको भी इन मछलियों के साथ पाला जा सकता है और ये इससे एक दूसरे के यानी बढ़ोतरी में फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी अपनी अलग अलग निश में ग्रो करती हैं। तो आप इन सब मछलियों के कॉम्बिनेशन को एक ख़ास अनुपात में रख के कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये भी अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब इस समय गर्मी के समय, वैसे तो जब आम समय के अंदर किसान भाई या मछली पालक भाई जब बाज़ार तक उस अपने उत्पाद को ले जाते हैं तो आइस बॉक्स का प्रयोग करते हैं और तमाम तरह की विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों के मौसम में जब तापमान इतना बढ़ रहा है तो क्या इस समय बाज़ार तक अपने उत्पादन को ले जाने में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कम समय में बाज़ार तक पहुँचना और इस गर्मी में अपने उत्पादन को सही तरीके से स्वच्छ और साफ रखना ये भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होता है इस समय? हाँ नहीं, आपने ठीक कहा कि इस वक्त अगर हम विपणन के बारे में सोचें तो बहुत ही उचित नहीं होगा, ख़ासतौर से जब हाई टेम्परेचर्स हैं, तो उसमें अगर ये प्रतीक्षा कर ली जाए कि थोड़ा सा टेम्परेचर ऐसा हो जाए जिसमें हम जाल चलाएं तो मछलियों की क्षति ना हो, क्योंकि इस वक्त जो सबसे हाई टेम्परेचर होता उसमें जाल चलाने की भी सलाह नहीं दी जाती है कि जाल चलाया जाए, या क्योंकि मछली को इंजरी होती है या उसको किसी और तरीके की क्षति होती है और मृत्यु भी हो सकती है, तो ऐसे में उनको प्रिजर्व करना अधिक, आपको अगर बर्फ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी भी बहुत मात्रा चाहिए और बाज़ार भी कई बार उतना यानी
आपके मतलब अनुकूल नहीं होता है, इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लें और इस वक्त प्रबंधन पर फोकस करें, ना कि अभी एकदम से उसके विपणन और मार्केट में ले जाने की बात की जाए। थोड़ा सा इंतज़ार करें, अगर मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है तो बिल्कुल आप ले जाके बाज़ार में अपना उसका अच्छा मूल्य पा सकते हैं। जी, तो मछली पालकों के लिए हमारे डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाई हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ऐसे मछली पालकों की चिंता भी बढ़ रही होगी, और इसीलिए डॉक्टर अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम में डॉक्टर सिद्दीकी साहब को बुलाया गया और आपकी समस्याओं का समाधान भी किया गया है। डॉक्टर सिद्दीकी जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में आए और जो कीमती सलाहें हमारे मछली पालकों के लिए आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक, जिसमें महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपको कोई भी सुझाव या आपको कोई भी सवाल हम तक पहुंचाने हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए अपने सुझाव और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है ddkisan@gmail.com। इसके साथ ही आज के अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ, नए मेहमान के साथ और नए सवालों जवाबों के साथ। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।